This is Ankita Bhuwaniwal. Welcome to our channel Dynamics, the series that we have started for 500 questions of physics. Today we are going to continue that series, and our first question is: एक आयरन निडल सिंक कर जाती है, डूब जाती है पानी में, जबकि एक बहुत बड़ा शिप तैर पाता है पानी में. दोनों सेम मटेरियल के बने होते हैं, तो ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन हम पढ़ेंगे आर्किमिड प्रिंसिपल की हेल्प से. आर्किमिड प्रिंसिपल आप जो एक प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, जब भी अगर आप बकेट में पानी लेते हैं और जो मग होता है, अगर हम उसे दबोते हैं उसके अंदर, बाहर जो उसका वेट होता है वो बहुत अलग होता है, दैट इज रियल वेट. लेकिन पानी के अंदर डालने के बाद उसका वेट कम हो जाता है. मतलब पानी के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो हमें उसका वेट हल्का लगता है, जबकि बाहर एयर में जो वेट होता है वो भारी लगता है. तो इसका रीजन हमारे पास आर्किमिड प्रिंसिपल की ही हेल्प से ही पढ़ेंगे. आर्किमिड प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है. स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का वेट हम मेजर कर पाते हैं. हमारे पास सबसे पहले आप देखिए, वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है. मास हमारे पास ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, जबकि वेट हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है. वेट हमारे पास वेरी करता है प्लेस टू प्लेस. अगर हम अर्थ के पोल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, तो वहाँ अलग वेट होगा, जबकि इक्वेटर पे आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो वहाँ आपका वेट कुछ अलग होगा. वैसे ही आप मून पे जाएंगे तो आपका वेट अलग होगा, अर्थ पे रहेंगे तो अलग होगा. सो वेट वेरीज विद द ग्रेविटेशनल फोर्स, वेयर एज मास इज कॉन्स्टेंट. तो ये डिफरेंस होता है मास और वेट में. अभी हमारे पास अगर हम इसका ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पास क्या है, वेट है कितना, 5 kg है, जो कि स्प्रिंग बैलेंस ने मेजर किया है. ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने देखा कि ऑब्जेक्ट 5 kg का पानी में जाने के बाद इसका वेट अलग हो जाता है. ये है रियल वेट पानी में जाने के बाद, अपेरेंट वेट, जो कि रियल वेट नहीं है. आर्किमिड प्रिंसिपल क्या कहता है, जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी में अगर हम इसे डालेंगे तो पानी क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स, एक अपथ्रस्ट फोर्स, बॉइंट फोर्स, तीन नाम हो गए, अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, बॉइंट फोर्स. ये क्या चीज़ है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे, पानी उसके अपोजिट में रिएक्शन करेगा, एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकने के लिए होगा. वो किस पे डिपेंड करेगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जितना इसका वेट पानी को डिस्प्लेस करेगा, पानी को अमाउंट ऑफ वाटर जो इसका डिस्प्लेस होगा, उतना ही हमारे पास एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा. तो यहाँ पे आप देखिए, 5 kg का जो ऑब्जेक्ट है, जब हमने इसको इसके पानी के अंदर डाला, हमने यहाँ पे एक कंटेनर की हेल्प से पानी जो भी डिस्प्लेस किया इसने, वो कलेक्ट किया. अभी हमारे पास हम देखते हैं कि हम जो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ है वाटर का, उतना ही हमारे पास अपथ्रस्ट होगा. दैट मीन्स कि डिस्प्लेस्ड वाटर जो होगा हमारे पास, वो किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा, इसे प्रूव करने के लिए हम देखेंगे कि देखो, ये हमारे पास जो हमने पानी का जो यहाँ पे कलेक्ट किया है, जितना इसके अंदर जाने के बाद जो पानी बाहर ओवरफ्लो हुआ है, उस पानी का वेट भी 2 kg है, और जो अपथ्रस्ट फोर्स लगा उसका भी, इसका मतलब क्या होगा, 2 kg होगा. अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 2 kg वेट हुआ, ये हमें पता चलेगा कि जो इसका रियल वेट है,
जो ऑब्जेक्ट का रियल वेट है माइनस अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट फोर्स। रियल वेट क्या था? 5 kg। यहां पे इस ऑब्जेक्ट का कितना होगा अभी? 3 kg। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 2 kg। दिस इज आर अपथ्रस्ट फोर्स, जो कि पानी पे जो लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स वो होगा। और अपथ्रस्ट फोर्स हमने क्या बोला था किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल। और डिस्प्लेस्ड वाटर की क्वांटिटी का कितना मेजर मास आया है? कितना आया है? 2 kg का। तो हमारे पास दैट मीन्स दीज आर इक्वल क्वांटिटी, हेंस प्रूव्ड। सो आर्किमिड प्रिंसिपल की हेल्प से हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी पानी में जाता है जितना वो डिस्प्लेस करता है वाटर को उतना ही उसके ऊपर अपथ्रस्ट एक फोर्स लगता है। अभी हमारे पास एक और फैक्टर होता है डेंसिटी का। डेंसिटी हमारे पास क्या डिसाइड करती है कि वेदर द ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट। अभी हमारे पास जो डेंसिटी का पहली कंडीशन क्या होती है, डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट की ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से तो हमारे पास क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अगर हमारे पास डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम है डेंसिटी ऑफ वाटर से तो हमारे पास क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। आयरन नेल की डेंसिटी इज मोर, इसलिए वो क्या करेगा, वो डूब जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि आयरन नेल उतना ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही कम होगा। शिप जो होती है, शिप की जो शेप होती है वो ऐसी बनाई जाती है कि जो जब वो पानी के सरफेस पे आती है तो वो पानी को ज्यादा डिस्प्लेस करती है, जितना उसका वेट होता है जितना उसकी डेंसिटी होती है वो उससे ज्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगी। ज्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ तो फिर क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अगर अपथ्रस्ट फोर्स उतना ही ज्यादा होगा तो फिर बॉडी क्या करेगी, तैरेगी। कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ अपथ्रस्ट फोर्सेस ग्रेटर देन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट देन बॉडी विल फ्लोट। अगर हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स कम हुआ वेट से बॉडी विल सिंक। सो दिस प्रूव्स दैट आयरन नेल कैन सिंक इन वॉटर वेयर एज शिप कैन फ्लोट इन ऑन वॉटर। हमारे पास अभी देखो इसका कौन सा राइट आंसर होगा कि हमारे पास कैसे कैसे जो शिप है वो तैर पाती है, कैसे तैर पाती है कि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द निडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। क्या मतलब हुआ कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, निडल की, दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना वाटर वो डिस्प्लेस कम कर पाई इसलिए ही तो वो अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा नहीं लगा उसके ऊपर और वो सिंक कर गई। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज कि द क्लाउडी नाइट्स मतलब नाइट्स बादल जहां पे होते हैं, दैट क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, वो गर्म होती है नाइट्स, जबकि जो क्लियर नाइट्स होती हैं, जब क्लियर स्काई होता है वो इतनी वार्म नहीं होती। तो इसका रीजन ये होता है कि देखो ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ ने क्या किया, ये हमारे पास सन है, इसकी जितनी भी वार्मथ है रेडिएशंस है वो सरफेस पे आई। अभी हमारे पास जितनी ज्यादा रेडिएशंस होंगी उतना ज्यादा वो गर्म होगा। अर्थ क्या करेगा, अर्थ की एटमॉस्फेयर और सरफेस क्या करती है, रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक भी करती है। तो जब इसने रिफ्लेक्ट बैक किया तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, क्लाउड्स आ गए। जब ये क्लाउड्स आ गए तो क्लाउड्स ने क्या किया, उन्हें रोक लिया। तो क्या हुआ,
अर्थ की सरफेस जो रिफ्लेक्ट कर रही थी हीट को बैक टू दी स्पेस, वो नहीं हो पाया, क्लाउड्स ने रोक लिया और क्या हुआ, हमारे पास वार्म हो गई सरफेस। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास ये, अभी कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, क्लाउड्स प्रिवेंट एस्केप ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एयर। वो क्या करती है, वो रोक लेती है रेडिएशंस को, रेडिएशंस ऑफ हीट फ्रॉम द ग्राउंड। यहां देखिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा ये चीज कि कुकर प्रेशर में क्या होता है कि खाना जल्दी पकता है। जब हम खुले में पकाते हैं तो हमारे पास हमारी गैस भी वेस्ट होती है, एनर्जी वेस्ट होती है एंड टाइम भी ज्यादा लगता है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन कुकर प्रेशर में प्रेशर ज्यादा होता है। तो वो क्या चीज करता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, उसको वो ज्यादा कर देता है। और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। हमारे पास जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा पानी का, वो उतना देर में वो उबलेगा और जो उसके अंदर फूड होगा वो जल्दी पकेगा। प्रेशर ज्यादा होने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो हेंस बॉइलिंग पॉइंट में भी इसमें डिफरेंस आता है और टेम्परेचर में भी डिफरेंस आएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इज इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। अभी हमारे पास, आपने देखो, वाटर बॉइल्स ओनली एट, यस इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट दिस बॉइलिंग पॉइंट गेट चेंजेस टू द हायर वन व्हेन आवर प्रेशर इंक्रीजेस। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, कन्वेक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं एक वर्ड यूज हुआ है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे हीट ट्रांसपोर्ट जो होती है उसके थ्री मेथड्स होते हैं। थ्री मेथड्स हमारे पास, देखो, दिस इज द नाइस ब्यूटिफुल इमेज बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ हीट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो, ये हमारे पास यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई, हमारे पास यहाँ पे पानी है, जिसे मैंने इस कंटेनर, यहाँ पे एक मेटल लगा हुआ है। तो अब देखो कंडक्शन, या ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन, दिस इज कन्वेक्शन, दिस इज रेडिएशन। दीज थ्री आर द प्रोसेसेस बाय विच हीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कंडक्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जो पार्टिकल्स, आप समझो, पार्टिकल्स जो होते हैं वो खुद मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो जस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं हीट को, बिकॉज उनका जो कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत सॉलिड में, देखो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तो उन्हें खुद मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉन्टैक्ट से ही उनका क्या होगा, हीट ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। सो दिस इज कंडक्शन, जो कि आप देख पा रहे हैं इस हैंडल की हेल्प से। कन्वेक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स खुद मूव करते हैं और हीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखो पानी है, नीचे गर्म हुआ, ऊपर आया, ऊपर वाली सरफेस को गर्म किया। सो हेयर इज दी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे हीट, तो यहाँ पे है स्टोव, तो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे अपना अपना हैंड रखोगे तो आपको वहां भी फील होगा कि समथिंग इज गेटिंग लाइक समथिंग इज हीटेड अप। सो व्हाट इज दिस, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन का देखो, सन से हमारे पास जितनी भी सोलर रेडिएशन आती हैं, रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती,
रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ऐसा फैक्टर है जिस जो हमारे पास विदाउट एनी मीडियम ट्रेवल हीट को ट्रांसपोर्ट कर पाता है, जबकि कन्वेक्शन एंड कंडक्शन नीड्स मीडियम। सो दीज आर द रेडिएशन जो कि हमारे पास हीट को ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या था? हमारे पास करेक्ट आंसर था बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो आप सबने फील भी किया होगा, पढ़ा भी होगा कि हम जब भी गर्मी में अगर हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर के कपड़ों से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पास व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर वो क्या करता है हमारे पास, देखो लाइट फॉल की कोई भी ऑब्जेक्ट पे, व्हाइट कलर हमें क्यों व्हाइट दिखता है? क्योंकि सबसे पहले आप देखो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई देगा, जब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है लाइट को, तब हमें वो दिख पाता है। तो रिफ्लेक्शन इज द मेन प्रोसेस बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास देखो कोई भी लाइट जब फॉल करती है तो व्हाइट कलर क्या करेगा, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। विजिबल लाइट जो जो कि व्हाइट कलर पे फॉल हुई, उस पूरी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, इसलिए वो व्हाइट कलर का दिखता है। अगर हम ब्लैक कलर देखें, अगर कोई और कलर देखते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर उस पर विजिबल लाइट फॉल करती है तो इट अब्सॉर्ब सम वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब्सॉर्ब करेगा दैट मीन्स उसमें हीट अंदर जाएगी, दैट मीन्स यू विल फील वार्म, यू विल फील वार्म। तो व्हाइट कलर में क्या होता है, हीट इज नॉट गेटिंग इन, सो हेयर व्हाइट कलर में क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट होगा क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सारी हीट लाइट। अब आप देखिए हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास टू बल्ब्स हैं, दो बल्ब हैं, बल्ब आप देख सकते हैं, बल्ब ये एक बल्ब है। सो हमारे पास क्या है, बल्ब एक बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो कर रहा है, जबकि एक बल्ब जो है बहुत डिम बल्ब है। तो वो किस चीज पे, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्राइटर है या डिम है? वो डिपेंड करेगा आपके रेजिस्टेंस के ऊपर। जितना ज्यादा आपका बल्ब का रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा वो रिस्ट्रिक्शंस, उतनी ज्यादा वो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी करंट को फ्लो करने में। देखो ब्राइटनेस जो होती है, ब्राइटनेस जो होती है वो डिपेंड करती है पावर पे। अब और पावर किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी वो कम पावर सप्लाई करेगा। तो भाई रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, पावर कम हुई, ब्राइटनेस क्या हो गई, कम हो गई। रेजिस्टेंस अगर कम हुआ, पावर क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ब्राइटनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो बल्ब में वेरिएशंस जो होते हैं ब्राइटनेस और डिमनेस के, वो डिपेंड करते हैं उसके रेजिस्टेंस पे। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस देखो, दी डिमर बल्ब हैज लार्ज रेजिस्टेंस। जो डिम बल्ब होता है उसकी लार्ज रेजिस्टेंस है, इसलिए वो पावर कम सप्लाई कर पाता है। द लीनिंग टावर ऑफ पिसा डज नॉट फॉल बिकॉज, देखो जो उसकी बिल्डिंग है ये कुछ ऐसे है, ऐसे लीन है, वो थोड़ी टेढ़ी है। वो क्यों है, ऐसा क्यों है? और वो गिरती भी नहीं है क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो उसके बेस के थ्रू जाता है, थ्रू बैलेंस है। सेंटर ऑफ मास
उसके बेस के थ्रू ही बैलेंस्ड है, इसलिए वो बिल्डिंग इतनी स्टेबल है. सो आर राइट आंसर इज द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन द बेस. अब देखो, अगर हमारे पास ये कोई भी एक टावर है, इसका सेंटर ऑफ मास ये हुआ, तो ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी सीधा. अब एक स्ट्रेट स्ट्रेट बिल्डिंग से देखिए, स्ट्रेट बिल्डिंग का ये है सेंटर ऑफ मास, दिस विल नॉट फॉल. अभी अगर हम कोई भी बिल्डिंग को टेढ़ा करते हैं, देन व्हाट विल हैपन. ये भी देखो, सेंटर ऑफ मास इसका एकदम बेस से, और ये बेस पे से है, तो ये भी नहीं गिरेगी. दिस इज हाउ दिस बिल्डिंग वर्क्स. इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेजेस. अब देखो भाई, वोल्टेज अगर हमारे पास ज्यादा हुई या वोल्टेज कम हुआ, तो क्या इफेक्ट पड़ता है मोटर पे. मोटर क्या चाहती है? मोटर चाहती है उसे करंट ज्यादा मिले. मोटर क्या चाहती है? उसे करंट ज्यादा मिले. अगर वोल्टेज कम हुआ लेकिन मोटर क्या चाहेगी? करंट ज्यादा मिले. तो करंट क्या है? इट विल ड्रॉ मोर करंट, ज्यादा करंट मांगेगी. तो क्या होगा? हीट क्या होगी? ज्यादा रिलीज होगी. हीट की वजह से क्या हो जाएगा? वो बर्न कर जाएगा. सो आर करेक्ट आंसर इज दे ड्रॉ मोर कलर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज. दिस इज आर करेक्ट आंसर. अब देखो, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, आप सबके घर पे होगा. रेफ्रिजरेटर में अगर आप जो आपका गेट है, आप गर्मियों में ढूंढते हैं कि कहीं से आपको कुछ ठंडा आइसक्रीम या फिर रेफ्रिजरेटर जितना टेम्परेचर लाइट मिल जाए. सबसे पहले क्वेश्चन आता है, हम टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं? वन इक्विपमेंट इज दैट हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर ये हमें हेल्प करता है टेम्परेचर मेजर करने में और ह्यूमिडिटी मेजर करने में. आपको ये दिस वन इज डिजिटल डिजिटल हाइग्रोमीटर. यहाँ पे दिस वन इज टेम्परेचर, नाउ 34.6. दिस वन इज ह्यूमिडिटी, दिस इज 75%. सो दिस इज द डिजिटल हाइग्रोमीटर. इससे हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं. अभी जो रेफ्रिजरेटर है, अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन हुआ, तो जो बाहर का इन्वायरमेंट है, वो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा या फिर वो ठंडा हो जाएगा. तो आप देखो, रेफ्रिजरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? सिंक होता है एक, एंड सोर्स होता है. वो सिंक से एनर्जी लेता है और सोर्स उसको क्या करता है? वो एनर्जी सोर्स जो सिंक होता है उससे एनर्जी ली, एंड देन इट वर्क्स. तो यहाँ पे अगर हमने फ्रिज ओपन रखा, तो सिंक से वो एनर्जी कम लेगा, इट इज हीट एनर्जी कम लेगा. और क्या होगा हमारे पास? कम लेगा तो रेफ्रिजरेटर क्या होगा? डोर ओपन करने के बाद इन्वायरमेंट विल बी वार्मर देन बिफोर, सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज. अब देखो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर कोई भी एक रॉक, चट्टान, सरफेस, मून की सरफेस से लेके आई जाए अर्थ पे, तो उस पे क्या क्या डिफरेंस आएगा, क्या चेंज होगा? मास कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वो चेंज नहीं होगा. यस, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट इट्स मास. जो मून की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटी. सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डिफरेंस की वजह से वेट जो है रॉक का, वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा. एज वेट का फोर्स एक होता है, फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी. पेंडुलम क्लॉक्स आपने देखा होगा, जो पेंडुलम क्लॉक होती है,
वो समर में, गर्मियों में बहुत स्लो हो जाती है, जबकि विंटर्स में ठीक रहती है। तो इसका रीजन क्या है कि गर्मियों में पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम में जो मटेरियल होता है, हालांकि बहुत अच्छा मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो उसकी लेंथ में कोई असर ना पड़े, लेकिन गर्मियों में पेंडुलम की लेंथ लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है दैट इंक्रीजेस, और इंक्रीज होने की वजह से हमारा टाइम क्या होता है वो स्लो हो जाता है। सो क्लॉक्स टाइम स्लो नहीं होगा, क्लॉक स्लो होगी। टाइम डाइलेशन इज दी फैक्टर ऑफ रिलेटिविटी। दिस टॉपिक इज टोटली डिफरेंट। टाइम डाइलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, हेयर व्हाट वी आर गेटिंग दैट क्लॉक के जो पेंडुलम होते हैं वो लंबे होने की वजह से उनका जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है दैट इंक्रीजेस, इसलिए हमारी क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या राइट आंसर क्या है, कैन ईजिली टिक द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस। यहाँ देखिए, द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन अस बट वी डोंट फील इट। वाई? बिकॉज जो हमारी बॉडी है, ग्रेविटेशन फोर्स की हेल्प से भी हमारी जो बॉडी है, जो ब्लड, सी लुक एट द ऑप्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट यू आर फीलिंग दैट दे आर नॉट करेक्ट, दे आर नॉट सूटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखो, पहले एलिमिनेट करो। जैसे हमें क्या पूछा क्या गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर हमारे ऊपर डालती है, बट वी हमें इतना ज्यादा फील नहीं होता, तो हमें क्यों नहीं होता? देखो, वी आर यूज टू इट, नो, आर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन विदस्टैंड, नो, द सरफेस एरिया ऑफ आर हेड, दिस इज वेरी फनी। सो बचा क्या हमारे पास, दिस वन, आर ब्लड एक्सर्ट्स अ प्रेशर स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ द एटमोसफेयर। हमारा जो ब्लड है दैट इज ब्लड प्रेशर दैट एक्सर्ट सम प्रेशर मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी में, जो जिसकी हेल्प से हम एटमोसफेयर प्रेशर हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव नहीं डाल पाते। अब देखिए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज द मिरर इज द ओनली थिंग दैट एवरीवन, मैनी ऑफ अस वॉचेस लाइक टाइम टू टाइम एवरी डे। सो द मिनिमम हाइट, जो प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट है, वो क्या होनी चाहिए जो कि हमारा ऊपर से लेके टो तक हमारी पूरी एक इमेज दिखे प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? आपने कुछ प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी कि प्लेन मिरर में क्या होता है। सबसे पहले प्लेन मिरर शोज दी एग्जैक्ट इमेज ऑफ अ पर्सन, सेम हाइट की दिखाता है, और लेटरल इन्वर्जन इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट वी गेट फ्रॉम द प्लेन मिरर। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, दैट्स वाई एम्बुलेंस को हम उल्टा लिखते हैं, ताकि वो मिरर में दूसरे व्हीकल्स को वो सीधा होके दिखाई दे। तो अभी हमारे पास क्या है कि मिनिमम हाइट भाई कितनी होनी चाहिए, ये देखो, दिस इज अ ब्यूटिफुल गर्ल इज स्टैंडिंग हियर एंड ये मिरर है। नो डाउट गर्ल्स आर ब्यूटिफुल देन बॉयज। या सो कम टू द पॉइंट, दिस गर्ल इज स्टैंडिंग, मिरर इज हियर। यहाँ पे कितनी हाइट होनी चाहिए मिरर की? देखो, सबसे पहले जो एक फैक्टर होता है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी इमेज, सपोज मैं इतना ही बड़ा मिरर लेती हूँ, अगर मैं इतना ही बड़ा मिरर लूंगी, तो जो यहाँ पे इस गर्ल की जो रिफ्लेक्शन है,
वो सपोज मेरे यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लाइट फॉल हुई, उसकी इमेज फॉल हुई, तो जाके क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो हमारे पास क्या होगा कि दैट विल नॉट कम टू इट्स रेंज, वो रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जितना ये एंगल है ये उतना यहाँ पे क्या करेगा, ये एक इमेज बनाएगा जो कि इसके हेड से लेके टो तक होगी। सो दिस मिरर शुड बी हाफ ऑफ दी हाइट ऑफ दिस पर्सन। तो यहाँ पे क्या हमारे पास हुआ, डबल द हाइट ऑफ द पर्सन, नो, 1/4 द हाइट ऑफ द पर्सन, नो, द करेक्ट आंसर इज हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। अ मैन इज स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर इफ ही वॉक्स टूवर्ड्स द शोर द बोट विल। देखो एक मैन है, वो खड़ा है बोट के ऊपर, स्टिल वाटर है, तो वो क्या है, रेस्ट की पोजिशन पे है, रेस्ट की पोजीशन पे है। अभी अगर वो उसने मूव करना शुरू किया, व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ बोट। सो क्या होगी हमारे पास, वो इट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर। अगर हम किनारे की तरफ जाएंगे तो बोट क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, सो दैट्स व्हाई इट विल मूव अवे फ्रॉम द शोर। अ पीस ऑफ आयरन इज फ्लोटिंग। अ देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। सो एक बीकर है हमारे पास, एक बीकर है, पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ बीकर। अब देखो जब एक एक आइस है, ये वाटर है, ये आइस है, ये फ्लोट कर रही है, तो जब ये पूरी आइस मेल्ट कर जाएगी, आइस मेल्ट करेगी, तब हमारे पास क्या होगा, ये पूछा गया है कि जो ये लेवल है वाटर का, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा। तो आप सबसे पहले आप देखो कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है आइस की, रिलेटिव डेंसिटी होती है 0.9। 0.9 इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द आइस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अभी देखो रिलेटिव डेंसिटी इतनी होती है, सपोज इसका जो 10% पार्ट है वो बाहर है, और जो इनका 90% पार्ट है वो अंदर है। तो अभी अभी क्या होगा, अगर हम इसी को ही देखें, बीकर को ही, कि जहाँ पे आइस रखी है, अगर हम इसको ऐसे देखें, यहाँ पे हमने आइस को रिमूव कर दिया, आइस को रिमूव कर दिया, तो कितना पानी इसमें जाए, आइस जब ये मेल्ट होगी तो ये इसका लेवल कैसा रहेगा। देखो अगर इस आइस ने उसे इतना ही पानी दिया जितना कि वो अभी मिसिंग है, तो लेवल चेंज नहीं होगा। अगर इस आइस ने ज्यादा पानी दिया इस स्पेस के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस आइस ने कम दिया पानी, तो क्या होगा, वो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी क्या है, फाइंड आउट करना है कि वो पानी कितना देगा। हमारे पास आपने देखो एक फॉर्मूला, आप मैथमेटिकली आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि आपने देखा कि मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड दिस इज दी मास बिफोर इन मास आफ्टर। सो ये फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दिस इज द डेंसिटी ऑफ, दिस इज द डेंसिटी ऑफ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस वाटर एंड वाटर। तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, 0.9। तो वी आइस क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, दिस विल बी आर वी डब्ल्यू रो डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो आइस, दिस इज 0.9। सो हाउ इट विल चेंज, 10, 9/10, सो वी
आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 0.9 इज इक्वल्स टू वी दिस वन